अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम रामीन, आ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज इन लाहौर। आई सिक्योर्ड 170 मार्क्स इन एमडीकेट 2023। टुडे आई विल गाइड यू अबाउट द थर्ड टॉपिक ऑफ पीएमडीसी सिलेबस, विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये नहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एटलीस्ट 6 to 7 MCQs आपको एमडीकेट में आते हैं। सो डैट्स वाई योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड यू शुड गिव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस टू दिस चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपने इस चैप्टर को रेडी कैसे करना है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है, चाहे आप जिस भी प्रोविंस या फेडरल से बिलोंग करते हैं, आपकी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक आपकी बेस्ट फ्रेंड है एमडीकैट के लिए। बिकॉज एमडीकैट में आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन्स और उसी के कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लाइन्स भी पूछी जा चुकी हैं, आप पास्ट पेपर्स में भी देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस की जो भी आप यूज़ कर रहे हैं बुक, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन्स के ही एमसीक्यूज़ बने होते हैं, ठीक है। तो इसको रेडी करने की स्ट्रेटजी यही है मेरी कि आपने पूरा चैप्टर को, जो भी आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं सिलेबस में, उसको आपने थोरली रीड करना है, आपने हर लाइन को पढ़ना है, ठीक है। और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको अपने माइंड में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, आपने अपने टीचर से पूछना है, या आप अगर खुद तैयारी कर रहे हैं, आपने यूट्यूब या गूगल से उसका आंसर देखना है, ठीक है। और द अदर थिंग इज़ डैट कि जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने हेल्प किया था बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने में या बाकी सब्जेक्ट्स में भी, मैं यही स्ट्रेटजी यूज़ करती थी, वो ये थी कि मैं हर लाइन को पढ़ती थी और उसका एमसीक्यूज़ बना के देखती थी अपने माइंड में, ठीक है। तो मतलब कि जो भी मैं लाइन पढ़ी है ना, उसको मैंने देखना है कि ये एमडीकैट में कैसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उस लाइन का मैंने एमसीक्यूज़ अपने माइंड में बना के देख लेना, फिर उसके बाद मैंने उसका आंसर देखना है कि फिर अगर इस तरह से अगर सवाल बना तो मैंने इसका ये जवाब देना है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे ना, अगर आपके माइंड को क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे तो आपको आंसर्स देने आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने जितनी भी मतलब बुक में कोई भी आपको लाइन इंपॉर्टेंट लगी है या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए लगा है कि ये डिफरेंट है, ठीक है, आपने सोचना है कि अगर एमडीकैट में इसका सवाल बना तो ये सवाल किस तरह का होगा, ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी जो होगी वो शार्प होगी और अगर उससे मिलता जुलता या वही भी हो जाता है, वही एमसीक्यू जो आपने सोचा होता है वो एमडीकैट में आ जाता है, ठीक है। अगर वो आ जाएगा तो आपको एक सेकेंड भी नहीं लगेगा उसका आंसर लगाते हुए, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है बुक में, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसको रीड करना है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये पढ़ना है, बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन है, वो आपने हर तरीके से पढ़ के देखनी है कि बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में क्या क्या डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पास्ट पेपर्स में एमडीकैट में ये इसमें से एमसीक्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो टेक्निकली ये आपके सिलेबस में मौजूद है, इस वजह से आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है। कैटिनेशन है इसके अंदर कार्बन की, बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये 4 जो है वो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ बनाता है बॉन्ड, इस तरह की आपने चीज़ें इसमें से अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से एमसीक्यूज लास्ट टाइम भी आया था, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हीट कैपेसिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन आपने गौर से पढ़नी है, ठीक है। और इसके अंदर हीट ऑफ वेपोराइजेशन से लास्ट टाइम एमसीक्यूज आया था, देखें एग्जैक्ट लाइन आई थी इसकी जो मैं आपको बात बता रही हूँ, एग्जैक्ट लाइन आई थी और ये लाइन मैंने ये सोच के पढ़ी थी कि अगर ये एमडीकैट में आ गई तो, और वो एमडीकैट में आ गई थी ये लाइन, इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका आंसर ऑक्सीडेशन था, ये बुक में एज इट लाइन लिखी हुई है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि टेक्स्ट बुक की लाइंस जो हैं वो बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन आयनाइजेशन और
प्रोटेक्शन बाय वाटर, ये भी आपने एक दफ़ा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक लेंथी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी टॉपिक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो के वो कितनी अमाउंट में, कहाँ, किस अडल्ट में कितनी अमाउंट में मौजूद होते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और डाईसेक्राइड्स, तीनों के अंदर आपने डिफरेंस करके पढ़ना है, तीनों को कंपेयर करके पढ़ना है, कौन स्वीट है, कौन स्वीटर है, स्वीटेस्ट है, किसकी हाइड्रोलाइजेशन हो जाती है, किसकी नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें आपने इसमें से करनी है। उसके बाद आ जाता है कि हम लोग FSC में ऐसे करते थे कि जो कंपाउंड्स हैं पहले उनकी स्ट्रेट चेन बनाते थे, फिर हम उसे सीखते थे कि हमने स्ट्रेट चेन से किस तरह से हमने रिंग बनानी है। यहाँ पे आपने बनाना नहीं सीखना कुछ भी, ठीक है। जस्ट आपको कोई भी स्ट्रक्चर देख के पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है, या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। इसमें आपको कंपाउंड को सिर्फ रिकॉग्नाइज करना सीखना है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट कंपाउंड बना बना के देखने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आपने इनको स्टार्च और ग्लाइकोजन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। किसको जो है वो स्टार्च किसके अंदर मौजूद होती है, एनिमल्स में होती है या उसमें होती है, प्लांट्स में होती है, ये देखना है, ठीक है। और जो स्टार्च है उसको उसको सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता, ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह सेलुलोज है, ये पढ़ लेना आपने, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। इस तरह की जो MCQs हैं बुक के अंदर ही लिखे हुए हैं लाइंस, वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिपिड्स, ये भी एक लेंथी टॉपिक है इसको, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसको भी आपने रीड करना है। असाइल ग्लिसरॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अगेन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उसको आपने बना बना के नहीं देखना, सिर्फ आपने उसको अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ क्या है। असाइल ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड, तो सॉरी एक ही होता है, वैक्स है, फॉस्फोलिपिड है, तो मतलब कि आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, सिर्फ डैट्स इट। इसके अंदर यही है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स, ये भी आपके सिलेबस में है। प्रोटीन्स के अंदर आपने अमाइनो एसिड्स वाला टॉपिक भी करना है, कितने अमाइनो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं, कितने सेल्स में पाए जाते हैं, और कौन ज़्यादा जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाता है, तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप में आपने उनके अंदर ये याद करना है कि कौन सा बॉन्ड किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड किस स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होता ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के MCQs आ जाते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है या नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दो तरह से लिखी हुई है हमारी बुक में, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इन दोनों की भी जो है वो आपने इन दोनों को भी कंपेयर करके पढ़ना है। आप लोग अपनी चाहे कॉपी के ऊपर एक डिफरेंस करके लिख लें, ठीक है। जब आप कंपेयरिंग करके पढ़ेंगे तब आपके लिए इसको अपने माइंड में रखना आसान हो जाएगा, आपके माइंड में एक टेबुलर फॉर्म में चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स आगे आ जाते हैं। इसके अंदर आपका DNA आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं पढ़ना। RNA आपके सिलेबस में है, आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। RNA को आपने थोरली पढ़ना है, उसकी टाइप्स को आपने इसी तरह कंपेयर करके जो है वो याद करना है। हर लाइन का MCQs बना के देखना है, इसमें से बहुत ऑब्वियस MCQs बनते हैं, साफ मतलब कि पता चल जाता है, जैसे कि कितनी परसेंटेज सेलुलर RNA की मैसेंजर की कितनी है, ट्रांसफ़र की कितनी है, राइबोसोमल की कितनी है, या फिर ये कितने न्यूक्लियोटाइड से की लेंथ से मिलके बना होता है, ठीक है। इस तरह के आपने MCQs जो हैं वो कंपेयर करके तीनों के जो है वो याद कर लेने हैं, ठीक है।
लास्ट पे हमारे पास रह जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है और रादर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। इनको आपने कंपैरिजन करके कर लेना है और इसका जो टोटल मतलब छोटा सा टॉपिक बुक में लिखा हुआ है इसको एज इट पढ़ लेना है। हर लाइन आपकी एमसीक्यूज बनती है, ठीक है। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए और आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।